वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम स्टेप टू स्टेप बिगनर के लिए रोटी बनाना सीखेंगे। पहले हम एक परात ले लेंगे, उसमें एक बॉल आटा ले लेंगे, एक चुटकी उसमें नमक मिला देंगे। फिर आटे के बीच में कुएं जैसे गड्ढा बनाएंगे, उसी गड्ढे में हाफ कप पानी डालेंगे ताकि मेरा आटा सॉफ्टली गूंथ जाए। अब हमको इसको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। इस तरह से देखिए, मिलाते मिलाते आप एक डो के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखिए, इसको अच्छे से अपने हथेलियों से अच्छे से गूंथ लेना ताकि ये सॉफ्ट रोटी बने। इस तरह से देख रहा होगा आपको मैं कैसे गूंथ रही हूँ। इस तरह से देखिए, मेरा एक डो का फॉर्म हो गया। अब इसको लगभग हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ढक्कन लगा के। 10 मिनट मेरा रेस्ट हो चुका है। अब इसको फिर से मैं गूंथ लूँगी ताकि मेरा जो रोटी है सॉफ्ट बने। गूंथे हुए आटे से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और सूखा आटा में लगा के उसको चकला और बेलना की सहायता से आप बेल लेंगे। देखिए मेरा रोटी कितने अच्छे तरीके से बेला रहा है। ये तभी संभव है जब आपका डो सही टेक्सचर का हो, ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा सॉफ्ट। फिर एक तवा को गर्म करेंगे और बेली हुई रोटी को डालेंगे और दोनों तरफ से पलट के सेक लेंगे। अब इसको आग में सेक लेंगे। आप चाहे तो तवा पर भी सेक सकते हैं, पर तवा पर सेकने के लिए कोई कपड़ा लेंगे ताकि वो एक तरफ से दबाएंगे दूसरे तरफ से फूल जाए। देखिए मेरी रोटी कैसे फूल के रेडी है, आपकी भी रोटी इसी तरह फूली फूली बनेगी। लंबे समय तक सॉफ्ट रखने के लिए आप इसमें बटर या घी लगा के रख सकते हैं। आपको यह बहुत ही मुलायम रहेगी तब।